नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम डेट आ चुका है। अभी अभी आपका पूरा कैलेंडर जारी हुआ है, RPFSI का, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का और आपका JEE का एग्जाम डेट आ चुका है। तो आपका 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो पिछली भर्ती निकली हुई थी उसका पूरा आंसर की मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हर शिफ्ट का, ठीक है? तो मैं आपको जीके और साइंस इन दो सब्जेक्ट का अलग एक पेपर और रीजनिंग का अलग और मैथ का अलग, ऐसे आपको तीन तीन वीडियो, एक शिफ्ट के तीन वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें एक में मैथ अलग, मैथ तो मैं नहीं करवा पाऊंगा लेकिन रीजनिंग करवा दूंगा, ठीक है? रीजनिंग करवा दूंगा, जीके साइंस करवा दूंगा, मैथ में नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये आप देख लीजिए पूरा ये आंसर की है, ठीक है? और ये लिखा हुआ है RRB LLP एंड टेक्नीशियन 2018। तो पहले क्या होता था, पहले ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम साथ में होता था लेकिन अब अलग अलग है, ठीक है? तो ये रहा आपका ALP का प्रीवियस ईयर का पेपर, ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट में आपका दिया गया है ALP टेक्नीशियन, ठीक है? और आपका जो एग्जाम हुआ था 30 अगस्त 2018 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, समझ में आ गया? और ये आपका एग्जाम सेंटर। तो पहला वीडियो आपका ये रहा, पहला वीडियो है आपका साइंस का। तो साइंस से पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है तापमान। किसमें? तापमान में। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर लगाइए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? तो अगला प्रश्न है रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के और मैथ के वो आप बाद में देख लीजिए, पहले आप साइंस और जीके के क्वेश्चन करना है, जो कि आपका साइंस आपका तीसरा 20 नंबर का है और जीके आपका जो है वो आपका 10 नंबर का है, यानी टोटल आपके 30 नंबर का प्रश्न है। तो मैथ आप और कहीं से देख लीजिएगा लेकिन मैं जीके और रीजनिंग सॉल्व करवा दूंगा, और मैथ भी ज्यादा कठिन नहीं है, यहीं से देखते जाइए, ठीक है? केरल के कोची में आयोजित कोची मुजरिस BNL निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? तो जो आपकी एक BNL जो प्रदर्शनी है ये आपकी समकालीन कला है। क्या है? समकालीन कला है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपका साइंस से है। तो प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये प्रश्न आसान है, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है? तो कोई प्रश्न आसान है, कोई थोड़ा आपको टफ मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NO2CO3। 1 मिनट, क्या होता है? Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी। हाई स्कूल में दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हाई स्कूल की बुक में। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl3, जिसको हम खाने का सोडा कह रहे हैं या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है? ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखो, ये भी रीजनिंग का है, ये आपका साइंस का है, ठीक है? तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसको जूम करते हैं थोड़ा अच्छे से आपको दिख जाए। प्रश्न में पूछा गया है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? किस वर्ष इस पे हस्ताक्षर किए गए? तो इस पर 1215 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है? तो आपके काफी प्रश्न आपके एवरेज भी मिलेंगे और कई प्रश्न आपको आसान भी मिल जाएंगे। तो सब प्रश्न, एक आध प्रश्न आसान हो जाने से सारा पेपर आसान नहीं हो जाएगा। ये तो मैथ का, रीजनिंग का है, ये है आपका जीके का, ठीक है? तो प्रश्न में पूछा गया है, विस्तारा एयरलाइन, टाटा सन्स और
किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है? तो यह आपका किसका संयुक्त उपक्रम है? यह आपका सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से आपको बता देता हूं, जो विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स और किसका है? आपका सिंगापुर एयरलाइंस का क्या है? ग्रुप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो यह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब अगला इस वो रीजनिंग का है, ये प्रश्न है आपका यहां से। प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी चीज है वो, उसका नाम क्या है? ठीक है, अगर मधुमक्खी काट ले तो वो है आपका बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मधुमक्खी अगर आपको काट ले तो बेकिंग सोडे का उपयोग करिए, आपको राहत मिलेगी। ठीक है, जो रीजनिंग का था ये है यहां से जीके का। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न ये मैथ का है। ठीक है, ये रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग, ये भी रीजनिंग, ये भी मैथ का, ये है जीके का। तो प्रश्न है आपका, 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किसको किया था? आपका ऑप्शन 3 मेहताब बामजी को, ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, साइंस से है। ठीक है, मनुष्यों के लिए सर्व ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसकी रेंज आपका 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस रीजनिंग के प्रश्न है, ये भी रीजनिंग के है। ठीक है, रीजनिंग का मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा नहीं करवा रहा हूं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर है। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी। समझ में आ गया। अगला प्रश्न फिर से आपका साइंस का है। तो प्रश्न में पूछा गया है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में उसमें क्या मिलाया जाता है? अगर लोहे को कठोर और मजबूत बनाना है तो क्या मिलाएंगे उसको उसमें? तो उसमें कार्बन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कार्बन मिलाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA उम्मीदवार कौन थे? तो वो है आपके गोपाल कृष्ण गांधी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी थे। ठीक है, रीजनिंग का मैं सॉल्व करवा दूंगा, बिल्कुल मत घबराना कि आप ये नहीं करवा रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? तो इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा तो ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो बेटियों में, लड़कियों में 44 गुणसूत्र होते हैं और XX होते हैं, डबल X। ठीक है, और जो पुरुषों में होते हैं वो XY होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है? 62.9% होती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह बंगाली लेखक कौन है जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता? तो वो है जॉय गोस्वामी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, एक लवण है जो बनता है, किससे बनता है? यह आपका तीव्र अम्ल और तीव्र छार से बनता है। ठीक है, कोई प्रश्न में डाउट हो, समझ में ना आया हो या कुछ गड़बड़ नजर आए तो कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न देखिए, टोटल 75 है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला? किसने संभाला था? तो वो है आपका रवि शास्त्री ने। किसने? रवि शास्त्री ने संभाला। अगला प्रश्न, बैटरी टर्मिनलों से वैसी संबंधित है जैसे चुंबक, ये तो यार उसका है रीजनिंग का, ध्रुव से संबंधित है। ठीक है, ये भी उसका है, ये है आपका डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो किस कौन बदल देता है? मांसपेशी। क्या बदल देता है? मांसपेशी, मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ठीक है, तो मांसपेशी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न साइंस का, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता? तो वो है द्रव्यमान। अगला प्रश्न, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्या है? क्या है? वो है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो इनको पहले समूह में रखा गया है। ये भी उसका है, मैथ का लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 में हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक है? तो कौन सी? तो वो है ऑप्शन 3, कोल इंडिया लिमिटेड। कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, तो ये गुण उसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न, फिर आगे आपका है ही नहीं। ठीक है, ही नहीं है। तो प्रश्न है, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म व टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अनुपम खेर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो ये थे आपके RRB ALP में पूछे गए प्रीवियस ईयर के GK और साइंस का क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता, रीजनिंग की मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जैसे इसका करवाया। जय हिंद, जय भारत।